भारत की नवी बनी एनडीए सरकार का पहला पार्लीमेंट सैशन चल रहा है। लोग सभा ते राज सभा रोजाना जुड़ते ने ते विरोधी धिर ऐतकी मजबूत होण करके वक्-वक् मुद्दियां ते सरकार नूं तिखे रूप दे विच घेर रही है। सोमवार नूं वी एक वड्डे मुद्दे ते जबरदस्त हंगामा होया। लोग सभा दे विच राष्ट्रपति दे धन्नवादी मते ते बोलदिया होया विरोधी धिर दे लीडर राहुल गांधी बीजेपी ते तिखे वरे। गांधी ने कहा कि बीजेपी लगातार संविधान से हमला कर रही है, साढ़े कई लीडर जेल च डकया गया है। कहिंदे मेरे ते भी हमला होया सी ते ए देश दे प्रधानमंत्री दे हुक्मां ते कीता गया सी। सिद्धा सिद्धा इल्जाम राहुल ने लाया। इस तो बाद राहुल गांधी ने सदन दे विच श्री गुरु नानक देव साहिब भगवान शिव मुस्लिम अते ईसाई भाईचारे दे पैगंबरां दीआं बाकायदा तस्वीरां दिखाउंदिआं कहा कि अपने आप नूं हिंदू कहाउण वाले हर समय हिंसा दे विच लिप्त हन, जदके साडे हर धर्म दे पैगंबर ने ना डरो ना डराओ दा सिधांत दित्ता सी। डर ते नफरत फैलाणा कहिंदे हिंदूतव नहीं है, तुसीं तां हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म समेत अहिंसा हिंदू धर्म अहिंसा परमो धर्म दी सिख्या दिंदा, ना डरो ना डराओ। अवै मुद्रा की गल लगातार राहुल गांधी ने की। असी कहते कांग्रेसी हैं जिहड़े हिंसावादी नहीं हैं, जबकि बीजेपी हिंसा की पार्टी है। एंड देन ही आस्क्ड मी, राहुल जी यू बीन सिटिंग हियर 55 आवर्स, आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, व्हेन देयर इज एन अटैक लाइक दिस ऑन यू, यू ऑब्वियसली नीड रेफ्यूज, यू नीड अ प्लेस or you need ideas that defend you। राहुल गांधी ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕੋ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उस तो बाद बीजेपी ने राहुल दे बोलन दे तरीके ते सवाल चुके। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद खड़े हुए ते हिंदुओं नूं हिंसा नाल जोड़ के राहुल तो माफी दी मांग कीती। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा भी चुकया। कहिंदे तुहाडे काले कानूनां दी वजह करके 700 किसान शहीद हो गए, तुसीं विरोध करन वाले किसानां नूं अतवादी तक कहा, तुसीं घट गिणतियां दे विरोधी हो। इस दे जवाब विच गृह मंत्री अमित शाह ने 1984 नसलकुशी नूं लैके कांग्रेस दे गंभीर इल्जाम लाए। किसानों ने 700 किसान शहीद हुए, हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाइज सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे। इस दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी विचों विचों बोलते रहे, टोकते रहे राहुल गांधी नूं। उन्होंने नसीहत दी कि तुसी विरोधी धिर दे लीडर हो, तुहानूं इतराज़योग गल्लां कहण तों बचना होगा। इस ते राहुल गांधी ने कहा कि डर तां इह लोक फैला रहे ने। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साथ, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज,
माननीय सदस्यगण आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले नौ आपने बताया था नियम। लोकसभा दे विच राहुल गांधी ने पंजाब दे एक अग्निवीर दा मुद्दा चुकदिआं दस्सिआ कि मैं उस पीड़ित परिवार नूं मिलिआ, अग्निवीरां नूं शहीद दा दर्जा ही नहीं दित्ता जा रिहा, माली मदद नहीं दित्ती जांदी, तुसीं भारतीय फौज नूं वंड के रख दित्ता, साडी सरकार आऊगी तां असीं सारा कुछ खत्म करांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ते इल्जाम लाया कि राहुल गांधी गलत अंकड़े पेश कर रहे ने। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर और आप उससे कहते हो उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कैसे देशभक्त है? गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।